भाई नागपुर में पहली बार बन गया है भाई आदि मानव बकरा, जो कि है भाई नागपुर में पहली बार बना हुआ है। 3 घंटे का प्रोसेस है और बिल्कुल आपको मिलेगा द लॉन्ग ड्राइव जो रेस्टोरेंट है, आपको मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा और इसकी पूरी प्रोसेस देखना, मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो का एंड तक के देखना। पूरा बकरा है ना भाई, तो दिख रहा है। कितने किलो का है? 10 किलो का। और उसको थोड़ा पहले से ही मैरिनेशन करके रखा था ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए जो इसका मसाला है। तो बेसिक मैरिनेशन हो गया है, अभी इसको और ऊपर से अच्छे से मैरिनेट करेंगे। ये ऑरेंज वाली पेस्ट है, ये पेस्ट में क्या क्या रहता है? इंडियन स्पाइसेस रहता है और जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली पेस्ट। इंडियन स्पाइसेस और जिंजर गार्लिक पेस्ट रहती है भाई साहब। बकरा देखो फुल 10 किलो का बकरा है, उसको बढ़िया से मैरिनेट करके पकाया जाएगा और पकाने का स्टाइल भी एकदम देसी रहेगा। नाम क्या है इसका? आदि मानव मटन। नाम भी जोरदार है और ये प्रायर ऑर्डर पे ही बनाया जाता है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएगा मैं आपको और डिटेल देते जाता हूँ, इसकी बहुत नेक्स्ट लेवल वीडियो। मेरे को नहीं लगता आपने ऐसा कहीं नेक्स्ट लेवल वीडियो देखा होगा। तो बिरयानी के राइस है, इतने जाएंगे भाई साहब, इतने मतलब जोरदार होने वाला है आदि मानव बकरा मटन। 10 किलो का है, कितने लोग खा पाएंगे इसको? 10 लोग खा पाएंगे, वो भी एकदम भारी खाने वाले। फुल पेट ये जा रहे हैं अभी, इसमें बिरयानी के राइस और ड्राई फ्रूट्स मतलब साइड बाई साइड, ताकि अंदर पूरा बढ़िया बिरयानी का भी मज़ा आ जाए और बाहर से मटन तो इतना सारा क्वांटिटी में मतलब नेक्स्ट लेवल। पैक करो नॉनवेज लवर को, क्योंकि यहाँ पे आके ये चीज़ तो ट्राई करनी चाहिए। बढ़िया 10 के ग्रुप में आओ बर्थडे पार्टी वगैरह में, ये ऑर्डर करो मज़ा आ जाएगा। ट्राई और ऑर्डर एक दिन पहले करना पड़ेगा। पूरा भरा जा रहा है भाई साहब। कितना राइस गया इसमें? 1.5 किलो। तो 1.5 किलो राइस गया है, नेक्स्ट लेवल है। सब छुपा के रख रहे क्या भैया? ये देखो भाई अंदर से भी फुल होने वाला है। लेग क्रॉस उतार लाना, ये हो गया था पूरा पैक अंदर से हो गया पैक। अब उठाओ ना, जाएंगे ये सीधा भट्टी में। और उसको पूरा रैप करके फिर पकाया जाएगा और पकाने का स्टाइल भी एकदम आदि मानव देसी स्टाइल होने वाला है, जैसे जैसे उसका नाम है। इसको पैक किया जा रहा है, फिर इसको एकदम देसी स्टाइल में पकाया जाएगा एकदम तार से टाइट। कितना टाइम लगेगा इसको पकने में इन टोटल? 3 घंटे लगेगा। 3 घंटा भाई, तो इसलिए आप 2 दिन कम से कम प्रायर ऑर्डर पे अगर आपको ये ट्राई करना है तो, और कम से कम मेरे हिसाब से 10 से 15 लोग लगेंगे जिसका अंदर गया। एकदम पैक हो चुका है, छोटा साइज में कॉम्पैक्ट हो चुका है, फिर पकेगा फिर निकलेगा एकदम भाई साहब। 3 घंटे लगेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन फिर चीज़ भी वैसी और अब इसमें जाएगा हमारा मसाला। बॉनफायर लगाया गया है कोयला लकड़ी का और उसके ऊपर रेत डाली गई ताकि अंदर से ऊपर से नीचे से पूरी साइड से बढ़िया से पके। 3 घंटे का प्रोसेस है। अभी करीबन कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं, 8:30 तक ये रेडी होगा। तो आपको सीधा उसके बाद का प्रोसेस दिखाते हैं कि निकलता कैसे है, अनपैक कैसे होता है और दिखने में और टेस्ट में कैसा है। तो अभी करीबन 3:30 घंटे हो गए और जो ऊपर का पूरा कोयला हमने आपको डालते हुए दिखाया था वो पूरा निकालेंगे, पूरा अनपैक होगा और नेक्स्ट लेवल प्रोसेस होने वाला है। एकदम हमने मतलब सनलाइट में टूट किया था और अभी एकदम अंधेरा हो गया, पूरा कोयला हटिया गर्मा गर्म।
अब भाई साहब पूरी रेती और कोयला हटा दिया और ये रहा भाई साहब अपना बटन, पहले कैसे गया था और अभी कैसा भाई का जूस उसका बह रहा तरीके से पक चुका है 3 घंटे ये जो पत्ती की लेयर थी पूरी। ओए ओए चन्ना भाई साहब, भाई अरोमा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, अरोमा इज नेक्स्ट लेवल भाई साहब। और अब जाएगी इंडियन स्ट्रीट फूड की बारिश, मतलब जो हर एक चीज में आता है। ये आ गया भाई भर के चीज, मटन गर्मा गर्म मटन पे चीज मेल्ट हुआ भाई, तब क्या लगेगा अंदर राइस वाइस सब भरे हुए हैं, जोरदार। मतलब ये आ गई बटर, बटर से एकदम नहला दिए भाई। अगर आप नॉन वेज लवर हो और इसको देख के मुंह में पानी नहीं आ रहा ना, मतलब खाना छोड़ दो नॉन वेज वेज को। बटर क्या हुआ, शब्द ही नहीं आ रहा है, बस पानी भरा हुआ है मुंह में। तो ये भाई हमारा 10 किलो का फुल बकरा रेडी हो चुका है, आप देखो इतना टेम्पटिंग लग रहा है, ऊपर से चीज डालो और भर भर के बटर। अभी करते हैं इसको ट्राई, कहाँ से ट्राई करूँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जन्नत है भाई जन्नत।